हेलो दोस्तों, तो हम लोग रायपुर से अपने घर के लिए बस जा ही रहे थे, तो हमको यहाँ पर रास्ते के बीच में एक बंजारी माता का मंदिर मिला। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो मैं बस उसी का दर्शन के लिए जा रहे हैं, यहाँ का भी ब्लॉग बना रहा हूँ, तो देखते रहते। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बंजारी चलते हैं, बस रोड क्रॉस करते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ये हैं बंजारी। बंजारी वो तो काफ़ी फेमस है, ये भरपुरी का इलाका है, जगह है जो बंजारी का बहुत ही फेमस जगह है। तो हम लोग पार्किंग के लिए देख रहे हैं, बस गाड़ी पार्किंग के लिए, उसके बाद चलते हैं अंदर। दोस्तों हम लोग गाड़ी तो पार्क कर चुके हैं, बस ये देखिए बंजारी तो आ चुके हैं, तो चलते हैं अंदर। तो बनी रहे हमारे चैनल पे और देखते रहिए। खाली बैठे हो तो लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि एक ही लाइक के लिए हम लोग इतने दूर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये बंजारी माता का धाम है, ब्रश ये वंदे मातरम अमर जवान, तो हर घर तिरंगा के तहत इसको भी पहले दिखा लेना पड़ेगा। तो हम लोग अंदर चलते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों, पहले अंदर चलते हैं। यहाँ से सबसे पहले नीचे चलते हैं, यहाँ तो सीढ़ी है। वैसे बंजारी बहुत ही फेमस जगह है ये, भाई ये क्या बोलते हैं इस भनपुरी। ये देखिए इधर, तो सबसे पहले हम लोग किधर चलेंगे अनिल? पहले तो हाथ वाथ धो लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अंदर मंदिर के। ये देखिए खिलौना और अनगिनत चीज़ों की दुकानें लगे रहते हैं यहाँ पर तो अक्सर। तो पहले हाथ मुंह धो लेते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे, माता जी का दर्शन करेंगे। हम तो धो चुके दोस्तों, हम लोग बस अंदर ही जा रहे हैं। देखिए मंदिर का ये बंजारी, तो बस अंदर चलते हैं, उसके बाद सारे चीज़ों को दिखाते हैं, आप लोगों को दर्शन भी ले लेते हैं। ये बंजारी ये हैं, तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, बस देखते रहिए। सबसे पहले बंजारी माता का, यहाँ आके थोड़ा बहुत तो सुकून मिला। ये देखिए बाबा जी, ये अच्छा देखिए दोस्तों, इधर अनिल भाई अपने दुआ से झूलना झुला रहे। अरे सिंगल झूला नहीं झूला जा रही, भाभी घलो धर के ले आते। तो बस देखिए उधर किधर, गुलशन भाई भगवान का पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर, ये बाबा जी। चलते हैं दोस्तों इधर। दोस्तों ये देखिए, ये पीछे से हैं, कुछ ऐसा लगता है पीछे से। ये देखिए मंदिर ऐसा बना है कुछ। इधर तो बस पीछा पीछे कुछ नहीं है, ये एक मूर्ति है, वो किसका है? तुलसीदास जी का है ये। ये इधर बैठने गए हैं, तो हम लोग इधर चल रहे हैं आगे। इधर तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग इधर से उतर रहे हैं, उसके बाद ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो हम भी ऊपर चलते हैं सब लोग। ये देखिए भैया, तो देखिए ये सामने है व्यू, काफ़ी सारे यहाँ पर दुकानें हैं। ये श्री राम दरबार, तो देखिए यहाँ पास बहुत ही बड़ा हनुमान जी का प्रतिमा है, काफ़ी बड़ा है ये, देखिए इसको भव्य।
इतना भव्य कि क्या ही बताएं, इसके बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते। तो चलिए इधर चलते हैं इधर। ये देखिए लक्ष्मण झूला की तरह है लेकिन वैसा तो नहीं है लक्ष्मण झूला। तो देखिए दोस्तों ये तो शिव भगवान की यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रतिमा है। लोग तो वैसे एक फोटो है इसके साथ खिंचा रहे हैं, हम लोग भी खिंचा रहे हैं, एक दो ज़्यादा नहीं खिंचाएंगे, एक ही दो खिंचाएंगे, एक लख खींच खड़ी करके ठीक है। अब इधर भी देखिए दोस्तों ये क्या है, कलश वलश रखने का होगा तो उधर भी जाएंगे। पहले इधर देख लीजिए मंदिर, ये देखिए सामने में इसका नंदी। ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये बंजारी हैं। तो बस हम लोग नीचे जा रहे हैं, देखिए सीढ़ी पे तो बहुत ही ज़्यादा पानी है, तो बस ये देख रहे हैं कि फिसल ना जाए, आराम से उतरें क्योंकि गिर जाएंगे तो लोग हंसेंगे और लोग हंसने से कुछ नहीं होगा, चोट वोट लग सकते हैं। ये देखिए मतलब तो इधर भी कुछ है नीचे, लेकिन नीचे तो जाने का नहीं है मार्ग। सबसे पहले हम लोग भी चलते हैं उसके बाद। तो अनिल भाई देखिए उसके कान में अपने लिए गर्लफ्रेंड मांगने के लिए गया है, तो उसकी मनोकामना जल्दी पूरे हो जाए क्योंकि उसके पास एक गर्लफ्रेंड की कमी है। ये गुलशन भाई क्या मन्नत मांग रहे हैं। तो वैसे तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये बंजारी माता का दरबार। ये देखिए दोस्तों कितना कितना भव्य इधर सुंदर है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके, सुकून। तो आप लोग भी आना कभी, ये दूध चढ़ावे के लिए है, दूध या पानी इधर से इधर उसमें डालेंगे तो इधर आएगा, लोग इधर भी डाल रहे हैं। देखिए इधर यहाँ पर सोना का कछुआ भी है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सोना का कछुआ है यहाँ पर, तो आप लोग भी देखने के लिए आना सोने का कछुआ कैसा होता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। तो हम लोग इधर चलते हैं दोस्तों, इधर अब हर जगह बंजारी आए तो ये बंजाय माँ बंजारी लिखा हुआ है, तो बस अंदर ही चल रहे हैं हम लोग। देखिए दोस्तों यहाँ कैसा मस्त, चलते हैं अपना रहिए तो चलते हैं अंदर। इधर देखिए दोस्तों इधर क्या हो रहा है, जय माँ बंजारी। इधर अनिल भाई को देखिए मन्नत तो इसका पूरा हो जाए बेचारा का। तो इधर से बात ले लेते हैं बंजारी माता को, उस कारण भी चलते हैं। देखिए दोस्तों अंदर आए हैं आज,
दर्शन के लिए बंजारी आते हैं। तो शाम हो गए तो हमारा शटल भी डाउन हो गया, क्योंकि 3 बार से हम लोग अभी रहे ब्लॉक के लिए। इतना बड़ा गंदगी है, भीड़ तो वैसे यहाँ कम है महादेव के घाट के सामने। दोस्तों इधर पप्पा जी भी है, हर जगह पप्पा जी रहते हैं। आप लोग वो दान पेटी देखिए, यहाँ पर जो डबल शेर हैं माता रानी की रक्षा के लिए, और रक्षा नहीं तो उसके बॉडी गार्ड हैं। तो चलिए हमारा आशीर्वाद का लेने का हो गया पूरा, तो हम बस चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर तो चलिए चलते हैं आगे आगे बढ़ते हैं। अब इधर क्या है, जिसके इधर तो कोई नहीं जा रहा है तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर लाइनें भीड़ होती है ना, तो लाइनें इधर से ऐसे घूम घूम के आने के लिए बनी हुई हैं ये। तो हम लोग तो घूम ले बंजारी, तो चलते हैं उधर। तो दोस्तों हम लोग इधर साईं बाबा का भी एक है, सबका मालिक एक एक वाला, तो हम लोग इधर भी चलते हैं। लॉक है क्या? इधर से हैं ऐसे, ये देखिए इधर कुछ हैं, लेकिन इधर अंदर जाने के लिए परमिट नहीं है लगता है, इसीलिए कोई नहीं जा रहा है। अब इसको तो इसी जगह से देखते हैं। देखिए दोस्तों इधर अंदर, इधर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये जो है वो विष्णु भगवान है, वो लक्ष्मी है, और बाकी सब सबका तो मुझे पता नहीं है कौन कौन है, लेकिन सारे लोग हैं, सब देवगण हैं। तो इसका अंदर तो जाने के लिए नहीं है कुछ जगह, पहले था वैसे बोल रहे हैं लोग। तो चलते हैं इधर, ये ब्रह्मा जी हैं, ये देखिए ब्रह्मा जी को। तो हम लोग पहले सीढ़ी बाबा साईं बाबा का दर्शन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बतखें भी हैं जो इस पानी में तैरते हैं, और बंजारी तो घूम चुके हैं, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया बंजारी घूम के। तो आप लोग भी आना, और हमारे चैनल को जो नए हो वो लाइक कर देना भाई लोग, और चलते हैं सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना है, और चलते हैं हमारे न्यू ब्लॉग के लिए। तो बने रहना हमारे चैनल पे और देखते रहना, और कमेंट कर देना दोस्तों। आप लोग देखते हो वीडियो को, कमेंट नहीं करते, मुझे पैसे पता चलेगा कि मैं कैसे बनाता हूँ ब्लॉग, तो कमेंट करके फीडबैक देना चाहिए दोस्तों। तो थैंक यू।